नाउ गाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑलराइट दट इज इक्वेशन ऑफ ट्रांजेंट ठीक है क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम इक्वेशन ऑफ ट्रांजेंट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड बिलीव मी नॉट ओनली इन दिस चैप्टर इफ यू अंडरस्टैंड इक्वेशन ऑफ ट्रांजेंट फॉर सर्कल्स पैरा बोला एलेप्स हाइपर बोला एग्जैक्टली सेम चीज अप्लाई होगी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन भी सेम टाइप के आने वाले हैं। आपको कुछ अलग नहीं करना होगा तो यहां पे अच्छे से समझ लो आगे बहुत ईजी रहने वाला है और जेई के लिए तो बहुत है बेटा। गेट अ क्वेश्चन चलिए और बोर्ड में भी आता ही आता है तो इक्वेशन ऑफ टाइज यू नो वी कैन बेसिकली वी ऑल नो वट इज अ ट्रांजेंट राइट आपको पता है कि ट्रांजेंट है क्या

वाई इक्वल टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल राइट बट सर ये टी इक्वल टू जीरो क्या है वॉट इज दिस तो गाइज अगेन इट्स अ स्टैंडर्ड नोटेशन जैसे हमने देखा था एस इक्वल टू जीरो एस वन राइट वॉट आई सेड देर आई हैव यूज द वर्ड दैट दीज आर स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ कर्व लाइक एस इक्वल टू जीरो इज इक्वेशन ऑफ कर्व एस वन मीन्स यू आर पुटिंग अ गिवन पॉइंट इन द इक्वेशन ऑफ कर्व of a curve in point form that means if the point is lying on the circle or any curve its equation alright at that particular point the equation of the tangent is given by t equal to 0 so this is a standard notation now how to write down t equal to 0 so guys whenever you have equation of curve okay let's suppose this is your s alright x square plus y square minus r square equal to 0 right this is the equation of circle or you can have equation of circle in the जनरल फॉर्म एज वेल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो राइट इफ यू हैव एनी ऑफ द फॉर्म ऑफ अ कर्व हियर आई एम स्टिकिंग टू सर्कल बट दिस इज वैलिड फॉर एवरी हाइपरबोला सभी के लिए तो अगर इक्वेशन ऑफ करव इज एस टू जीरो यू वॉन्ट टू राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ ट्रांजेंड दैट इज टी इक्वल टू जीरो इन पॉइंट सी वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट

हमेशा याद रखने हैं सो वॉट आर दीज इन स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन सो वट वी आर सी इन द जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रांजेंड टू एनी सेकंड एनी सेकंड इट कैन बी यू नो सर्कल राइट डाउन इक्वेशन ऑफ ट्रांजेंट टू एनी दिसंट एक्स वन वाई वन इट कैन बी बाय रिप्लेसिंग

प्लस एक्स वाई वन बाई टू ओके चेंज नहीं करना है ओके आई एम रिपीटिंग अगेन वॉट आई हैपोज इफ यू हैव योर इक्वेशन ऑफ द करव लाइक दिस सर्कल ऑरली नाउ

2g. See here you have only x. Alright. So pass only if you have a term expression linear term. Alright, then in terms uh, in variable x, it will be written as x plus x1 by 2. Similarly, with y will be written as y plus y1 by 2. And the constant will remain as it is. So this is called as my equation of the tangent equal to 0. Okay, if you have a term of xy, it will be written as x one y plus x y one by two. But here, for circles, we have already seen we don't have terms of xy. Okay, so this is how, guys. This is very, very, very important transformation. And using that, I can write down equation of tangent in point form for any curve. All right. So this is your first form of equation of a circle that is tangent in point form. So now let's see what will be the equation. So if you have this. equation of the circle given to you, all right and we want to write down equation of a tangent at a point x1 y1. Its equation we have already seen. It will be simply given by this expression. देखो यहाँ पे क्या किया x square की जगह बेटा x square will becoming x x1, y square is becoming y y1, x is becoming x plus x1 by 2. So this 2 and that 2 is getting cancelled. That's why you getting g into x plus x1, f into y plus y1.

तो फिर यू कैन नॉट डू दिस दिसवल टू करेक्ट आंसर हाउ टू राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट वी विल डिस्कस बट दिस विल नॉट बी करेक्ट आंसर ठीक है चलो तो ये बेटा आपका हो गया पॉइंट फॉर्म ऑफ सर्कल एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे वेस्ट फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द गिवन सर्कल एट द पॉइंट्स फॉर दिस सर्कल यू हैव टू फाइंड टेंजेंट एट वन कॉमा माइनस थ्री फर्स्ट ऑफ ऑल यू है आप देख लीजिए वन पुट करते हैं वन स्क्वायर प्लस माइनस थ्री स्क्वायर एंड बेसिकली यू कैन क्लियरली सी इट इज कमिंग वन प्लस नाइन दैट इज इक्वल टू टेन ओके सो टेन इक्वल टू टेन और यू कैन से टेन माइनस टेन इज जीरो Right, s1 is coming 0 and s1 is 0, that means point lie on the circle beta. Okay, so this point is yes, sir, it's lying. So if it is lying, what will be the equation of tangent? It will be x, x1. So 1 into x will be x only, y square will become y, y1. So that will be minus 3 into y, and c will remain as it is. So equation of tangent, can you very easily see? It is nothing but x minus 3, y equal to 10.

टू इंटू सिक्स दैट इज माइनस सिक्स एंड प्लस फोर्टी फाइव ठीक है देखते हैं ये इक्वल टू तो जीरो आ रहा है या नहीं तो नाइन प्लस फोर इज वॉट थर्टीन थर्टीन प्लस फोर्टी फाइव इज

okay i am directly writing this x plus 2 by 2 and plus c will be as it is so plus 45 equal to 0 now this 2 and 2 will be gone this will become 13 times so it is coming 2x plus 3y minus 13x minus 26 uh, minus y minus 3 plus 45 equal to 0 2x minus 13x will be minus 11x

न एक्चुअली फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ ट्रांजेंड इन पॉइंट फॉर्म ठीक है चेक करो कि पॉइंट लाई कर रहा है अगर लाइ कर रहा है तो इसे सिंपली इक्वेशन फॉर्म क्या बोलते हैं टी इक्वल टू जीरो जहां पर सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके वी कैन राइट डाउन दीव